सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। ब्राह्मण वैवाहिक दिल्ली NCR बोर्ड द्वारा आने वाली 8 सितंबर को सोनीपत मोरथल रोड पर स्थित रॉयल कॉटेज में ब्राह्मण समाज के विवाह योग्य वर और कन्याओं के परिवारों का आपसी मिलन समारोह और नए वैवाहिक विवरणों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली NCR और पूरे हरियाणा प्रदेश से माता पिता अपने बच्चों के सुयोग्य वर के लिए यहां पर आ रहे हैं। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर वैवाहिक बोर्ड के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें होने वाले कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और सदस्यों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। आचार्य डॉक्टर विद्या रतन ने कहा कि जब से कंप्यूटर आया है, कुंडली मिलान का प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से 35-35 साल के बच्चे कुंवारे बैठे हैं। कुंडली मिलान ये सिर्फ दंत कथाएं हैं, इसका बहिष्कार होना चाहिए। सोनीपत से शाम वशिष्ठ की रिपोर्ट। हमारी जो टीम आज साथ खड़ी है, ये सब 8 तारीख को सितंबर को रविवार के दिन होने वाले वैवाहिक सम्मेलन के विषय में चर्चा किया है और उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे इस हरियाणा प्रदेश से, दिल्ली से, दिल्ली NCR से लोग जो आने वाले हैं, उनको हम किस तरह से सुविधा ये प्रदान करेंगे। वैवाहिक बोर्ड जो दिल्ली NCR का ब्राह्मण समाज NCR के अधीन काम कर रहा है, पिछले दिनों भादगढ़ में हुआ, उससे पहले अलीपुर में हुआ, उससे पहले त्रिनगर में हुआ, और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो ब्राह्मण वैवाहिक बोर्ड का चल रहा है, इसमें हज़ारों के करीब शादियाँ 2-3 साल में हो चुकी हैं और आगे हम जो है नए हमारे वैवाहिक बोर्ड के जुड़ने वाले लोग हैं उनको हम अपने व्हाट्सएप से जोड़ रहे हैं और व्हाट्सएप से जोड़ के करीबन एक बच्चे के बायोडाटे को एक दिन में हम 5,000 लोगों के पास भेज देते हैं। वो अपने आप उनको अपनी पसंद के बच्चे और लड़की को देख कर अपनी बातें आगे बढ़ाते हैं। हम उनको न शक्ल से जानते हैं और ना हम उनको जानना चाहते हैं। हमारा एक केवल मकसद यही है कि उन लोगों तक परिचय का उनको आदान प्रदान हो। किस कारण से आपको जो होना ये लगा कि ये सामाजिक कार्य करना समाज हित में है? जो क्या आपने ठीक कहा, ये क्या है कि आजकल भाई भी दूर दूर रहने लगे हैं। रिश्तेदार भले ही बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं, मैं उनकी बुराई नहीं करता, लेकिन कोई किसी को आज रिश्ता बताने में पहल नहीं करता है। समाज में जब से ये व्हाट्सएप ग्रुप आए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम ऐसे भाइयों से मिल रहे हैं जिनके हमारे दूर दूर से कोई नाता नहीं था, तो उनको हम एक सूत्र में बांध के हम उनके आपस में रिश्ते बनाने का ये जो सोचा है वो इसीलिए सोचा है कि लड़के इतने अच्छे क्वालिफिकेशन के हो गए हैं, इतनी अच्छी लड़कियां हमारी पड़ गई, उनको योग्य वर और वधु नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम इस माध्यम में फ्री सेवा कर रहे हैं। आज तक हमारे हज़ारों जो शादियाँ हुई हैं, किसी को हम शक्ल से नहीं जाना है और ना हमने किसी को चाय तक भी लेते हैं, ना किसी रजिस्ट्रेशन फीस को हम उनको मांगते हैं कि अभी हम रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हैं। तो ये समाज की सेवा ब्राह्मण समाज NCR के माध्यम से चल रही है। यहाँ जो मेरे साथ साथी खड़े हैं, चांदकरण जी, ललित शर्मा जी जो डायरेक्टर हैं बोर्ड के, पड़त बांगेराम जी जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, और सत्यनारायण जी इसके व्यवस्थापक हैं, JK शर्मा जी जो इसके संयोजक हैं, चांदकरण भाई साहब हमारे इसके मुख्य संयोजक हैं, और ललित जी की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम 8 सितंबर को सुबह 10 बजे यहाँ होने जा रहा है। भारी संख्या में यहाँ ब्राह्मण माता पिता जो हैं अपने बच्चों के लिए सुयोग्य वर और वधु की तलाश में ये आ रहे हैं। ये सिर्फ उद्देश्य हमारा ये है कि आपस में भाई मिलें, और हमारा इससे कोई लालच या कोई उद्देश्य, अपने ब्राह्मण समाज को बड़े खुल के बात कर रहे हैं कि कुछ हमारे पढ़े लिखे लोगों में गैर जाति में शादी का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। ये गंभीर विषय था और इस गंभीर विषय को हम हटाना चाहते हैं। धर्म की बात भी ले लें तो कुछ गैर धर्म में भी शादियाँ हो रही हैं, तो ये हम नहीं चाहते हैं कि भी गोई गैर धर्म में, गोई गैर जाति में शादी करें। तो ये जो बीड़ा उठाया है, ये सब ने सामूहिक रूप से उठाया है, ये मैंने अकेले नहीं उठाया है, ये जो है बहुत सारे हमारे समाज के लोग काम कर रहे हैं, बड़ी ब्राह्मण सभाओं के लोग काम कर रहे हैं, भगवान परशुराम के बैनर के नीचे काम कर रहे हैं। ये जो हमारी जो सोच है कि हम पढ़े लिखे बच्चों को सुयोग के वर नहीं मिलते, वो यही कारण है कि हम आपस में मिले हुए नहीं हैं, दूर दूर भटक गए हैं, गांव का कोई नाता नहीं रहा है, शहर में जाने के बाद सब एक ऐसे मेले में बिछुड़ गए हैं कि हमारा कोई आपस में मिलन नहीं हो रहा था। ये हमारा उद्देश्य है। मैं हम खड़े होकर एक सप्ताह पूर्व हमने जो कार्यक्रम को इसका रूपरेखा देखी है और जो संचालन समिति और व्यवस्थापक और संयोजक मंडल ने जो देखा, उसमें जो पूर्तियाँ हमने करनी है, जो काम करना है,
उसमें एक विषय बहुत जरूरी लिया गया है कि हमारे 30 और 35 साल के बच्चे जो कवारे बैठे हैं उनका एक मुख्य कारण है कुंडली मिलान, जो कुंडली मिलान था ही नहीं हमारे समाज में, किसी समाज में भी नहीं था। ये कंप्यूटर बाबा जब से आया है इसने सबके घरों में लैपटॉप और या मोबाइल पर एक ऐप डाउनलोड करा दिया है। लड़का पहले बाद में देखने जाते हैं, पहले कुंडली मिलान कर लेते हैं। 50 लड़के जो सुयोग्य हैं उनके लड़की या लड़के के लिए जो वर बहुत उचित हैं उनको वो काटा मार देते हैं, भाई मांगली कहे तो मैं नहीं करता, नाड़ी दोष है मैं तो नहीं करता, गुण कम मिलते मैं तो नहीं करता। ये जो सोच ने हमारे समाज को विचलित कर दिया है, ऐसे ऐसे माँ बाप मेरे पास आए, 39 साल की एक लड़की के पिता जो वो रो रहे हैं कि मेरी मंगली लड़की को वर नहीं मिलता। मैंने कहा कौन कहता आपकी लड़की मंगली, मैं ज्योतिष आचार्य किया है, मांगलिक 100 कंप्यूटर बताएगा तो 90 के लिए ऑप्शन है कि वो मांगलिक दोष उत्साह हट जाता है, और वो हटने के बाद भी जो है अपनी लड़की को मांगलिक कहकर और वो घर में बैठा रखी है तो वो दोष माता पिता को जाता है। अगर सच्चाई में उस लड़के और उस लड़की से पूछा जाए तो वो इसका कोई भी समर्थन नहीं करता है। तो ये माँ बाप का दोष है, उसकी शिक्षा का दोष है, और उसके लिए जो आज प्रचलन है जो लोग बाग जो है एक दूसरे को कहते हैं मांगलिक है नाड़ी दोष है, ये सब एक दूसरे की दंत कथाओं बनकर और हमारे बच्चों को कवारे बैठा रखे घर में। तो ये मांगलिक दोष का कुंडली मिलान का जो उस दिन हम एक निर्णय लेने जा रहे हैं पूरे उत्तर भारत से शुरू करेंगे, हो सकता है कि पूरी दूसरी जातियां भी हमारा समर्थन करें लेकिन ब्राह्मण जाति इस बात का बहिष्कार करेगी, और मैं चाहूँगा कि वो उसका समर्थन करें और ये कुंडली मिलान का काम उस दिन जो है सिरे से खारिज हो जाए। जैसे कि आचार्य जी ने कहा कि भाई कुंडली मिलान का, मेरी शादी हुई बिना कुंडली मिलान की हुई और भगवान का आशीर्वाद से आज तक सफल है, बच्चे हैं, बच्चों की अभी बिटिया की शादी करी दिसंबर में बिना कुंडली मिलान के करी, और आगे रिश्तेदार भी ऐसे मिल गए भी उनको अभी इंटरेस्ट ही नहीं था कुंडली मिलान में, और भगवान का आशीर्वाद है सब ठीक चल रहा है, तो इसलिए कुंडली मिलान में ज़्यादा विश्वास ना रखें, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें, बच्चों के जिससे शिक्षा का मिलान करें, हाँ वो मैच करती है तो ठीक है, रिश्ते करो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भगवान का आशीर्वाद।